हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिमाचली ओवरलैंडर। तो आज मैं हूँ अपने मायके में और शिवी की नानी के घर। और अभी देखिए इतनी प्यारी सी धूप खिली हुई है और हम बैठे हैं धूप में, क्योंकि अब करना है हमने ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे सैलेड काट दिया है अन्नू ने और अन्नू गए अंदर खाना लाने के लिए। ये देखिए खाना भी ले आया। आहा, ऐसी खिलखिलाती धूप में गर्मा गर्म खाना और विद सैलेड, मजा ही कुछ और है गाँव में। और शिवी खेल रही है, शिवी खेल अपनी दीदी के साथ। और ये कौन है बंदा, ये छुन छुन करने वाला? ये शिवी का भाई छुप रहा है पीछे। चलो फिर आ जाओ ब्रेकफास्ट करने। और ये है मेरी दादी जी, हम अपनी दादी को आमा बोलते हैं। आमा, ये मेरी आमा जी। और ये है मेरा स्टफी, मेरा प्यारा शडोगी। कुछ इस तरह का व्यू है मेरे मायके का, वो रहा पड़ोसी का घर। तो चलिए मैं अब आपको मिलाती हूँ अपने मम्मी की तो चलिए मैं अब आपको मिलाती हूँ अपनी मम्मी की गाय से, वो उधर है घास खा रही है। और सबसे पहले मिलिए कालू से। कालू, कालू भाई घास खाने में व्यस्त है, कालू को किसी से नहीं है, कालू को किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने धुन में मस्त है कालू। यहाँ पे भाई ये देखिए धनिया ही धनिया, खूब सारा धनिया हुआ है। ये वाला जो है देसी है, इसके जो बीज निकालते हैं सुखाते हैं। ये देखिए ये है मेरी मम्मी की गाय, दो गाय, एक छोटी सी बछड़ी है और एक ये बछड़ू है। और ये छोटी सी एक और सी है सा है कोई पता नहीं है, इन्हें क्यूट सा आए देखो कितना क्यूट सा है। और इसकी देखो यहाँ पे छोटा सा बिंदु है व्हाइट कलर का, गुल्लू 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 गुल्लू, इसकी नाक में पसीना पड़ा है कितना क्यूट सा है ना। ये इस गाय का बछड़ा है, इस गाय का है, इसका नाम गंगा, जमुना इसका नाम पता नहीं। और इनसे मिलिए, ये है चिनू मीनू, बहुत शरारती है लेकिन मारते हैं, इनसे दूर रहना पड़ता है, मेरे को तो डर ही लगता है। और वो देखिए लहसुन, ये जो है देसी लहसुन है और ये जो है चाइनीज है, ये बेचने के लिए, ये खुद को खाने के लिए। कालू चलो 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 चलो, खुद तो तू कर लेता है इधर उधर से ब्रेक कालू जी इधर तार में फंस चुका है। चलो तो वो देखिए दो भुक्खड़, ये देखिए दो भुक्खड़ खाना खा रहे हैं, भूख तो मुझे बहुत जोर की लगी है। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। और शिवी खेल रही है दीदी के साथ, इसको भी करवा लेती हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। तो गाइस आज हमारा दूसरा दिन, और दूसरे दिन में शिवी की हो रही है वहाँ पे भाई सेवा पानी शिवी का मामू है छोटा छोटा, और शिवी को बनाई अभी गाड़ी शिवी के नाना ने, ये देखिए क्रेट में डाला है इसको, और आगे रख दिया शॉल, पीछे रख दिया है असराना ताकि जिससे ये पीछे गिरे ना इसको लगे ना। और ड्राइवर देखिए धैर्य, तो अभी हमने जो है परे खेत में सरसों बीजी थी वो निकाल दिए, क्योंकि परे जो है मिर्च और बैंगन के जो है बीज बोने हैं ताकि वो फिर तैयार हो जाए लगाने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं मम्मी के साथ गोबर लाने, जो हम परे कैरी बनाएंगे उसमें डालेंगे। वो देखिए हो रही मम्मी की घराल, वहाँ से लाएंगे हम गोबर। ये सामने रही जौ की खेती, वाह कितने हरे भरे हुए हैं। और ये रहा गोबर, यहाँ से ले जाएंगे अब हम बिल्कुल बारीक बारीक गोबर, जो क्यारियों में डालेंगे, छांट के ले जाएंगे, जो घास लकड़ी वगैरह इसमें वो निकाल के फेंक देंगे और अच्छा अच्छा गोबर ले जाएंगे। तो ये रहा मेरा छोटा भाई अन्नू, ये आ रहा है, ये ले जाएगा गोबर का केड़ा भर के, मम्मी यहाँ पे भर रही है। तो ये बहुत काम ही बच्चा है गाइस, लेकिन कभी कभी ये दिमाग खराब कर देता है तो बहुत गुस्सा आता है।
तो अभी हम जा रहे हैं गोबर का कीड़ा लेके परे, और परे इसको पलटेंगे, फिर से आएंगे, फिर से भरेंगे और फिर से ले जाएंगे। ये देखिए सामने से कौन आ रहा है, शिवी। कहाँ जा रहे हो मम्मा? कहाँ जा रहा मेरा पुत्र शिबू? मम्मा चिकली चिकली मेरी मम्मा शिवी। बूम बूम बूम, गोल गोल घूमना हमने। बूम 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 बूम। नो मीडिया प्लीज, नो प्लीज। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं मटर के खेत में, और यहाँ देखिए पापा मम्मी अम्मा अनु और हम सब आ चुके हैं। हम कर रहे हैं आज मटर के तोड़ान, आज हम कर रहे हैं मटर का तोड़ान, और यहाँ पे तीन चार खेत थे, ये सारा जाएगा बीड दिए है और सिर्फ लास्ट से बचा है, और शिवी सो गई अपने मामू के पीठ में। तो हेलो गाइस, गाइस कोई नहीं देख रहा है, सब इग्नोर मार रहे हैं, घोर बेइज्जती हो गई मेरी। गाइस हम आ चुके हैं वापस, सब मटर लेके, तीन कीड़े निकले हैं और एक तसला भरी। गाइज ये है देवता जी, जो कि आज आमंत्रित है यहाँ पर हमारी नानी जी के घर में। हम भी आ गए इधर सीधा ही, क्यों इधर यो। तो यहाँ पर आज फंक्शन है, इसलिए हम लोग भी आ गए हैं, कुकु भी आई है, सब आए हुए हैं, मम्मी पापा सारे ही, और इधर हमारा छोटा डॉन धैर्य ठाकुर भी आ गया है। तो रास्ते में वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाड़ी में, आपको पता ही है पहाड़ों में गाड़ी ऐसी चलती है ओवरलोड करके। और वो उधर से आए हम, सुबह ही आए हैं और अभी अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे। देखिए अभी मैं बैठा हूँ यहाँ बिल्कुल पहाड़ के टॉप में, यहीं पर अभी हमने कुछ दिन पहले कैंपिंग करी थी आगे, यही वो पहाड़ है। और नीचे के नज़ारे देखो आप, कितने सुंदर नज़ारे हैं यार। ये ना नीचे देखो रोड्स ही रोड्स बना दिए पूरे पहाड़ों को काट काट के। जब हम छोटे होते थे तो यहाँ से देखते थे नीचे कोई रोड नहीं था, एक रोड था वो उधर दिख रहा है सिर्फ, वो था। और यह नदी बरोड से आ रही है, ये उल नदी, और उधर कहीं है कुकू का घर। कुकू का घर तो नहीं है, मतलब माइक का। देखो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग तो बोलते हैं पहाड़ों के लोग इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं, तो ये देखो ये है रास्ता, ये जो ऐसा जिग जैग दिख रहा है ना, ये रास्ता है ये। तो ये नीचे रोड है नदी के पास, यहाँ से फिर अगर ऊपर पैदल जाना हो तो इस रास्ते से ऊपर को जाते हैं शॉर्टकट ऐसे। और सुबह हम लोग गाड़ी में आए हैं वहाँ से कुकू के घर से, तो अगर वहाँ से गाड़ी में ना आना हो, गाड़ी में तो उधर से आगे से रोड है, अगर गाड़ी में ना आना हो तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे पैदल, और ये नीचे, और नीचे मैं पुल दिखाता हूँ आपको, नदी पर पुल है, पुल नहीं मतलब ऐसे क्रॉसिंग के लिए बनाया, ये पत्थर दिख रहा होगा ब्लैक सा ये वाला, इस पत्थर के ऊपर जो है सीढ़ी सी बनी हुई है, रास्ता पुल सा बना हुआ, ये देखो ये पैदल आदमी क्रॉस करने के लिए, और वहाँ से फिर ये पहाड़ चढ़ के इधर से होते हुए फिर यहाँ ऐसे पहुँचते हैं। ये कहानी है भाई पहाड़ों की। वीडियो लग रहा है, ये रहा ब्लॉगर। हेलो गाइस, कितना सुंदर आई करता ना। दाम खा लिया है, हम ही नहीं खाई है, हम नाचे कूदे, अब देवता जी को अलविदा बोल रहे हैं।
मास्टर जी। तो यहाँ चल रहा है डांस देवता के साथ, वो देखिए। ये दोनों शिवी की दादियां हैं। ये मम्मी के चाचू हैं। तो गाइस अभी देवता जा रहे हैं वापस मंदिर। तो ये है मोनार्क देवता, नीचे द्रंग, द्रंग से ऊपर है इनका मंदिर। यहाँ पर आए थे, मतलब बुलाया था इनको यहाँ पे नाना नानी के घर में। तो अभी जो है फंक्शन हो चुका है, धाम वगैरह हो गई, तो अब जा रहे हैं वापस। ये देखिए साथ में है मासी, मम्मी, सारे मिक्स होके डांस कर रहे हैं गाइस। और इस गाड़ी में जाएंगे अभी देवता जी। तो ये दो गाड़ियां आई थी, अब ये जा रहे हैं वापस। तो ये होते हैं गाइस पहाड़ी देवता। जय 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 भगवान। धाम वगैरह खा के और देवता को मतलब अलविदा बोल के वो चले गए। तो उसके बाद अभी हम लोग आए हैं फिर से, अभी धार के ऊपर घूमने आए हैं। ये सड़क है यहाँ पे, देखिए इवनिंग वॉक पे आए हैं। और मैं मिलवाता हूँ आपको बहुत खास खास बंदों से। तो ये दोनों मेरे भाई है, मासी के लड़के, और इनकी वाइफ देखिए बच्चे। तो ये होती है लाइफ शादी के बाद, देखो एक दो तीन भाई, तीनों के पास एक एक है। शुक्र, ऐसा करो सोचो ना अगर एक एक और हो जाए फिर हम सब के सब बिजी। वो है नीचे घर, बहुत सुंदर जगह यार, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये रहा रोड, मतलब यहाँ पर जो वाइब है ना, बहुत मस्त वाइब आती है। अभी इवनिंग का टाइम है, थोड़ा लाइटिंग आपको तो ज़्यादा ही दिख रही होगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इधर शाम के टाइम ऐसे घूमने में, गर्मी के टाइम में। और सर्दी के टाइम में तो यहाँ पे कान भी सुन्न हो जाते हैं ठंड से, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। शिवी, यह है शिवी, यह है कृतिका, ये शिवांशी, प्रियांशी, प्रियांशी। सबसे बड़ा तूफान है वो जो सामने है, सबसे बड़ा तूफान। क्या हुआ? हेलो, ओ भाई देखो देखो, सबसे खतरनाक है। अब यहाँ पे ना ऐसे प्लेन प्लेन मैदान है, बहुत बढ़िया इवनिंग टाइम स्पेंड करने के लिए पहाड़ों में सबसे बेस्ट जगह है ये। यहाँ पे बचपन में हम नानी के घर आते थे तो गाय वगैरह चराने आते थे, इधर उधर उधर जाते थे, नीचे जाते थे। वाह देखो गाड़ी की लाइटें जल गई है, रात हो गई है। तो जी अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और रात को हुई है बारिश, भयंकर भयंकर बारिश हुई है। नीचे देखिए ये तरपाल वगैरह सब उड़ गए थे, और उधर सामने उन पहाड़ों में ना फ्रेश स्नोफॉल हो गई, फ्रेश। बहुत खतरनाक मौसम है यार, अभी अप्रैल शुरू हो रहा है और यहाँ पर अभी बर्फ़ पड़ रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, फंक्शन हो चुका है ख़त्म और नई ट्रिप पे भी निकलना है। तो घर जा रहे हैं, गाड़ी रेडी है, मम्मी बैठ गई है, कुकू भी बैठ गई है। तो चलिए चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो नहीं बन पाएगी भाई,
देखो सब पैक हो गए, मैं और शिवी आ गए अपनी जगह पर और शिवी की आमा जी आ गई आगे। अब हम जाएंगे घर की ओर। चलो वीडियो एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और टाटा कमेंट करना ना। बाय बाय। टाटा बाय बाय।